त्योहारी सीजन में देश के अलग अलग शहरों से यूपी बिहार जाने वाले लोगों की संख्या में तेज इजाफा होता है। इनमें से ज्यादातर लोग अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों पर ही निर्भर रहते हैं। नतीजतन पहले से भरकर चल रही गाड़ियां और ज्यादा भरने लगती है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बीच गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन में जगह मिलने में खासी परेशानी हो रही है। वहीं दिवाली और छठ से पहले गुजरात में सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर आज यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं एक यात्री ने कहा कि हम लोग कल शाम से लाइन में लगे हैं, हमें टिकट नहीं मिला है, एजेंट 2000 कमीशन लेकर भी टिकट नहीं देते हैं। 4 महीने पहले से टिकट बुकिंग होती है और उस गया था तो टिकट नहीं मिला, फिर हम सफर का लेने गया था 1 महीने पहले, उसका भी बुकिंग होता है तो उसका भी नहीं मिला, तो अब चालू में जा रहे हैं सर। कहाँ तक के लिए सफर कर रहे हैं? हम सूरत से शिवकी तक जाएंगे। हम लोग सर कल शाम से ही लाइन में यहाँ पे हैं और टिकट तो रिजर्वेशन तो मिलता नहीं है सर, काफी गर्दी होता है और दलाल लोग 2000 रुपया कमीशन लेते हैं तो भी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ तक का सफर हम लोग को? भागलपुर जाना है बिहार। तो ये किस प्रकार की भीड़ है और आप लोग कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? घंटे तो सर कल शाम में हम लोग 8 बजे यहाँ स्टेशन पे लाइन से खड़े हैं और अभी भी सर सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? ये 10 बजे के आसपास है, ताप्ती गंगा सूरत भागलपुर। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों के एसी कोच के किसी भी श्रेणी में टिकट मिलना अब मुश्किल हो गया है। त्योहार के समय पर जाने वाले यात्रियों के लिए तत्काल टिकट ही एकमात्र विकल्प रह गया है। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों पर यात्रियों की सुबह और शाम के समय भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, लेकिन फिर भी ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए केवल इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।